इंदौर में 64 योगिनी मरी माता मंदिर को सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है। यह माता कालका का ही स्वरूप है, जहां माता के साथ 64 योगिनियां भी गर्भगृह में विराजमान हैं, जिनकी आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। बता दें कि यह मंदिर इंदौर में राजकुमार ब्रिज के पास मौजूद है। पुजारी ने बताया कि माता की सेवा तीसरी पीढ़ी कर रही है। मंदिर में माता के तीन स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती एक साथ विराजमान हैं। साथ ही मंदिर इसलिए भी काफ़ी सिद्ध और विशेष है क्योंकि इस मंदिर में माता के साथ उनकी 64 योगिनियां भी विराजमान हैं। नवरात्रि के दिनों में सभी 64 योगिनियों की आराधना का विशेष महत्व माना जाता है और सभी चैतन्य अवस्था में रहती हैं। मरी माता मंदिर में बीते 100 सालों से अखंड ज्योति जल रही है। हर अमावस्या एवं पूनम के दिन माता रानी को सिंदूर घी से चोला चढ़ाया जाता है। कई बार चमेली के तेल के मिश्रण से भी चोला चढ़ाया जाता है। पुजारी राजेंद्र के अनुसार माता रानी शमशान वासिनी है। मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है। माता रानी का पवित्र नदियों के जल से जलाभिषेक के बाद श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद उन्हें चुनरी ओढ़ाई जाती है। माता रानी को सुबह व शाम भक्तों द्वारा ही लाया गया भोग लगाया जाता है। जिन लोगों को अपनी कुलदेवी का भान नहीं होता, वे 64 योगिनी मरी माता को ही अपना आराध्य मानते हैं। मुख्य पुजारी ने बताया कि होलकर राज परिवार की 64 योगिनी मरी माता के प्रति अगाध श्रद्धा थी। यहाँ माता रानी का सिंह वाहिनी सिंह उनकी तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। मुख्य पुजारी ने बताया कि माता रानी का यह स्थल सिद्धपीठ माना जाता है। यहाँ देश भर से संतान की कामना लिए श्रद्धालु आते हैं। आराधना तो माता जी तो है ही, और उनकी जो 64 बहने हैं वो सब एक जगह ही स्थापित है, और ये बहुत कम जगह मिलता है पूरे इंदौर में जी। ये अति प्राचीन एकमात्र स्थान है, और कहीं होंगे तो उसका भी इतना उल्लेख नहीं है जी। और ये सालों पुराना ये ब्रिज भी बना, जबकि बहुत तकलीफ आई, रेलवे ने भी बहुत बार कहा अच्छा। कि ये मंदिर ऐसा शिफ्ट होगा वो होगा, पर यथावत ही रहता है मंदिर जी। जी 64 योगिनियों की आराधना करने से माता के साथ माता विशेष प्रसन्न होती हैं। विशेष प्रसन्न होती है, मनोकामना पूर्ण होती है, वृद्धि सिद्धि मिलती है जी। सभी लोगों को कोई निराश नहीं जाता जी, सबकी झोलियाँ भरती माँ काम धंधा। ये पंडित जी अखंड ज्योति के बारे में क्या है, कितने वर्षों से चले? तो ये शुरू से मंदिर जब से तब से ही चल रही है। अच्छा पंडित जी, लगभग 100 वर्ष होने वाले हैं अखंड ज्योति को। 1924 में अखंड ज्योति को 100 वर्ष हो जाएंगे। मंदिर के पहले का भी अति प्राचीन राजा महाराजाओं ने पूजा करी हुई है। मंदिर के बारे में विशेष मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए काफी सिद्ध माना जाता है। प्राप्ति के लिए सबको संतान मिलती है, जिससे 64 बहने हैं। ये बाहर भी भैरू जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, मोती बाबा का मंदिर है, भोले जी का मंदिर है, पूरे परिवार से मन कामनेश्वर महादेव वो भी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। बाहर गणेश जी विराजमान है रिद्धि सिद्धि के साथ। ठीक है पंडित जी, एक बार शुभ नाम बताइएगा। मेरा नाम राजेंद्र अवाल है। मैं मंदिर में 5वीं पीढ़ी से पूजा कर रहा हूँ। अच्छा पहले हमारे दादाजी ने। ठीक है पंडित जी, धन्यवाद।